हे व्हाट्सअप पीपल्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला टॉप 50 लाइटरूम प्रीसेट। आप अपनी किसी भी पिक्चर को बस वन क्लिक के अंदर एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस कैसे एडिट करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखते रहो, क्योंकि गाइस इस जिम फाइल के अंदर आपको पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, वीडियो को कहीं पर बीच में या एंड में आपको पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन में पासवर्ड आपको शो हो जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखते रहो। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आ तो वीडियो को कर देना लाइक, एंड चैनल पे जो भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैंने अपनी पिक्चर ओपन कर दी है लाइटरूम एप्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो आपको भी अपनी पिक्चर ओपन कर देनी है लाइटरूम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रीसेट आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। तो मैं यहाँ से पिक्चर को बैंक कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं प्रीसेट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्रीसेट को ओपन, ओके। एंड प्रीसेट को ओपन करने के बाद अभी आपको क्या करना कि यहाँ से आपको इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना सबसे पहले, ठीक है। और 3 डॉट पर क्लिक करने पर इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ से नीचे आ जाना इस तरीके से, ओके। और यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना। तो गाइस यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लिक, और आपको जैसे ही क्लिक कर तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना गाइस कि यहाँ से आपको इस डन पर क्लिक कर देना, जो राइट आइकन दिखा जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक और ये हमारी कॉपी सेटिंग हो चुकी है। और अब मैं यहाँ से बैंक आ जाता हूँ फिर से, ठीक है, और अपनी इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी इमेज को ओपन कर दिया है, और इमेज ओपन हो जाने अभी आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 3 डॉट के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर चले जाना। अभी आपको यहाँ से आपको नीचे की तरफ चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से मैं नीचे गया, और यहाँ से सबसे पहले हमने कॉपी सेटिंग की, अभी आपको इसको नहीं छेड़ना है। अभी आपको क्या करना है कि इस पेस्ट सेटिंग के यहाँ से गाइस आपको पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं राइट पर, यहाँ पर टिक कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक, तो आप देख सकते बस वन क्लिक के अंदर हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बिफोर एंड ये आफ्टर, बस वन क्लिक के अंदर प्रीसेट का कमाल हो चुका है। एंड गाइस इसमें चाहे तो आप थोड़ी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो कैसे करना है, तो यहाँ सबसे पहले मैं इस कलर टूल्स के अंदर चला जाना आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने में अभी आपको यानी सबसे पहले मिक्स टूल का यूज़ कर देना है, ओके। और मिक्स टूल के अंदर आने के बाद अभी आपको यानी कि यहाँ से आपको सेकंड टूल्स को ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करना, अभी आपको इसके क्षेत्र में थोड़ा माइनस की तरफ कर देना है इतना, एंड ब्लूमिस थोड़ा डाल देना इस तरीके से 20 के आसपास, ठीक है। अगेन जाऊँगा मैं गाइस इस फेस टूल के अंदर, एंड इसके क्षेत्र में मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दूँगा, ठीक है। एंड सिंपल में जाऊंगा इस कलर के अंदर, और इसकी मैं लुमिन्स को थोड़ा सा मैं यहाँ से माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन जाऊंगा इसमें इस टूल्स के अंदर, और इसकी क्षेत्र में आपको 100+ की तरफ कर देना, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ से आपको क्षेत्र को थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और सिंपल मैं इसको डन पर कर दूंगा प्रेस, और डन पर जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ से इसकी टेम्परेचर को थोड़ा और माइनस की तरफ कर देना, ठीक है। आगे मैं जाऊँगा इस सैचुरेशन टूल्स के अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी सैचुरेशन आपको अगेन थोड़ी सी डाल देनी, ठीक है, तकरीबन 10 के आसपास। और सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक कर देता हूँ गाइस, और डन पर क्लिक करना, अभी आपको कहना है कि यहाँ से आपको इस इफेक्ट टूल्स के अंदर चल जाना, और यहाँ से आपको इसकी टेक्सचर को डाल देना 28, एंड इसकी विगनेट को थोड़ा माइनस की तरफ मैं कर लेता हूँ। सिंपल मैं इसको डन पर प्रेस कर दूंगा, अगेन मैं इस टूल्स के अंदर चला जाऊँगा ट्रायंगल के अंदर। तो गाइस यहाँ से आपको डिटेल्स को फोल्ड कर देना है, ठीक है। एंड इसकी नॉइस रेडियंस को ऐसे 33 कर देना है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर लगेगी। एंड डिटेल्स को फोल कर देना, और कॉन्ट्रास्ट को 10 के आसपास डाल देनी, ठीक है, इतनी सी। एंड इसकी कलर नॉइस रेडियंस को 20 के आसपास या 30 के आसपास डाल देना, ठीक है। एंड सिंपल इसको डन पर क्लिक कर देना है। अभी आपको कहना है कि यहाँ से आपको इस टूल्स के अंदर चले जाना है। तो गाइस सेलेक्टेड टूल्स के अंदर आने पर अभी आपको यहाँ से प्लस का आइकन क्लिक कर देना, और यहाँ से इस राउंड को सेलेक्ट कर देना। सिंपल आपको इस तरीके से फेंस को यहाँ पर ऐड कर देना है फेंस पर, एंड यहाँ पर क्लिक। अभी आपको यानी कि यहाँ से आपको कलर टूल्स के अंदर चल जाना है, एंड इसकी क्षेत्र को यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी टेम्परेचर के अंदर चल जाता हूँ, एंड यहाँ से टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा यहाँ से डाल लेता हूँ, ठीक है। एंड अगेन मैं जाता हूँ गाइस इस टूल के अंदर ट्रायंगल के अंदर, इसकी नॉइस को फुल कर देना आपको, एंड सिंपल मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको फिर से इस टूल से क्लिक कर देना, और यहाँ से प्लस एंड इसको राउंड को ऐड कर देना, और यहाँ से मैं हैंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जो हैंड पर कलर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं कलर टूल्स के अंदर चला गया, इसके क्षेत्र को मैंने माइनस की तरफ कर दिया इस तरीके से।
तो आप देख सकते हो बस वन क्लिक के अंदर यहाँ कलर सब रिमूव हो चुका है। एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस हियर बिफोर एंड हियर आफ्टर, तो हमारे बढ़िया से पिक्चर एडिट हो चुकी है। तो अभी मैं इसको ऐसे बैक कर देता हूँ पिक्चर को, ठीक है, और मैं एक और प्रीसेट आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर गाइस मैं इस वाले प्रीसेट को अभी ओपन कर लेता हूँ और इसको आपको यानी क्या 3 डॉट के अंदर चल जाना है और यहाँ से आपको नीचे जाना है, देन यहाँ से आपको कॉपी शेडिंग कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉपी शेडिंग कर देनी है, इसके बाद आपको राइट पर टिक कर देना है। तो ये हमारी कॉपी शेडिंग हो चुकी है और इसके बाद आपको फिर से बैक कर जाना है और यहाँ से आपको अपने मॉडल की इमेज को ओपन कर देना है, ठीक है। और आपको फिर से 3 डॉट के अंदर चल जाना है, यहाँ से आपको नीचे जाना है और यहाँ से पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक, तो आप देख सकते हैं ईयर बिफोर एंड ईयर आफ्टर, बस वन क्लिक के अंदर हमारी पिक्चर एडिट हो जाती है, ठीक है। तो गाइस आपको ये वाला तो प्रीसेट है तो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, ये प्रीसेट प्रीसेट का पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड आप अपने जिम फाइल के अंदर ऐड कर दीजिए और प्रीसेट तो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट आप कर ले सकते हैं, तो कैसे करना आपको इस टूल्स के अंदर चल जाना, ठीक है। एंड इसके क्लैरिटी को डाल देना एंड टेक्स्ट को हल्का सा डाल देना एंड विग्नेट को माइनस की तरफ 20 कर देना, ठीक है। तो आगे मैं जाऊँगा इस कलर टूल्स के अंदर एंड यहाँ से मैं जाऊँगा मिक्स टूल के अंदर, ठीक है, ऊपर। तो मिक्स टूल के अंदर आने के बाद इसको सेकंड टूल सेट कर देना एंड इसके क्षेत्र को माइनस की तरफ करना इतनी एंड लुमिनस को प्लस की तरफ, ठीक है। एंड अगर मैं इस टूल्स के अंदर चाहता हूँ एंड इसकी मैं क्या करूँ इसको फोल्ड कर दूँगा क्षेत्र को, ठीक है। एंड इसकी ह्यू को मैं हल्का सा माइनस की तरफ कर दूँगा 50 के आसपास एंड मैं सिंपल इसको डन पर क्लिक कर दूँगा गाइस एंड इसके क्षेत्र को मैं ऐसे हल्का सा डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं सन वाई के अंदर क्लिक कर देना है एंड इसके शेडो को माइनस की तरफ एंड वाइट को प्लस कर देता हूँ 50 एंड ब्लैक को इसमें 23 माइनस की तरफ मैंने कर दिया, ठीक है ना गाइस। एंड तो गाइस इस तरीके से ये प्रीसेट का कमाल होता है। तो इस पिक्चर को सेव करने के बाद सी पर शेयर के आइकन पर क्लिक कर देना और सेव टू डिवाइस पर प्रेस कर देना। सो आई होप यू आपको ये 50 प्रीसेट बहुत पसंद आए होंगे। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर जो भी पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना। और मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।